हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। एक साहब का ये सवाल है कि क्या पैरों के बीच में चार उंगल से ज्यादा फासला रखने से नमाज नहीं होती है? नहीं, नमाज तो हो जाती है, नमाज हो जाती है, मगर बगैर किसी उज्र के ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नत तरीका यही है कि दोनों पाँव के पंजों के दरमियान चार उंगल का फासला रखा जाए, उससे कम और ज़्यादा ना हो। लेकिन आमतौर पर जैसे जो लोग मोटे रहते हैं वो जब खड़े होते हैं तो ज़्यादा फासला उनकी टांगों के दरमियान हो ही जाता है, तो ये उज़्र है, तो ऐसे उज़्र की सूरत में कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई उज़्र ना हो तो बिला वजह ज़्यादा पांव फैला के नहीं खड़ा होना चाहिए, और ख़ास तौर से इतने ज़्यादा फैला के खड़े होना जैसे आजकल गैर मुकल्लिदों का तरीका है, इससे कोई देखने वाला ये समझेगा कि आप गैर मुकल्लिद हैं माज़ल्ला, तो लिहाजा ये एक तरह की तोहमत है, तो इस तरह से पांव फैला के खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में ऐसा करना ये अपने ऊपर तोहमत लेना है, इससे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला।